नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता। अपने देश की बेटी, अपने भाई की बहन, सुशांत सिंह राजपूत की बहन। मामला बहुत गंभीर हो चुका है। मैं बात कर रही हूं सोनाली फोगाट के केस की। गंभीर इसलिए क्योंकि गोवा पुलिस, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि सिर्फ और सिर्फ टालने की बातें सोच रही हैं। हिसार गई, हिसार में बहुत छानबीन करी, फार्म हाउस गए, फिर संतवीर जो जगह है जहाँ पर फोगाट का घर है वहाँ पर तहकीकात करी, एक दिन डेढ़ घंटे की, एक दिन चार घंटे की। मिला उनको लॉकर, लॉकर को सील कर दिया गया और तीन डायरियाँ, जिनके बाद ये पता चलता है तीन डायरियों में क्या था। एक में भाषण है, एक में बड़े बड़े लोगों के नंबर्स हैं, ऑब्वियसली वो नेत्री थी तो उनके पास सबके नंबर्स होंगे, और एक में नौकर चाकर और सारे छोटे मोटे हिसाब किताब थे। तो ये जो काफ़ी सारी वीडियोस बन रही हैं, सुराग मिल गया, राज खुल गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर गोवा पुलिस बार बार एक चीज़ कह रही है कि हमें पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं सुधीर सांगवान के खिलाफ। तो भैया, वो तो खुद ही बोल रहा था, इसमें आपने क्या हाथी घोड़ा कर दिया। ये तो सुधीर सांगवान ने खुद अपने मुंह से बयान किया कि हाँ भैया, मैंने ही एमडीएमए मिलाकर वो पानी जबरदस्ती पिलाया था। बट अब बात जहां तक हो रही है 302 के हत्याकांड की, वहां पे सुधीर सांगवान अब मुकर जा रहे हैं, अब कह रहे हैं कि ये हत्याकांड मैंने साजिश करी थी, अब बाद में बोलता है नहीं करी थी। सो इट इज अ वेरी डाइसी सिचुएशन। लेकिन जहां पर बात होती है सुधीर सांगवान की साजिश की बात, तो उसने ये जरूर माना है कि हाँ, ड्रग्स मैंने बहुत पहले से लेकर रखी थी, ये बात मैंने क्लियर कर दी है, और हाँ, मैं साजिश के तौर पर ही सोनाली फोगाट को गोवा में लेकर गया था, कहा था सोनाली के साथ एक शूट पर है, बट ऐसी कोई शूटिंग वूटिंग नहीं थी। दूसरी ही वारदात मैं आपको बताती हूँ, सुखविंदर की एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि कहा जा रहा है कि पहले 10 सेकंड की थी, अब कुछ 1 मिनट 17 सेकंड समथिंग है। तो अगर उस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखा जाए तो मैं, जहां तक मेरा जो नजरिया है, मैं उस पर एक विचार विमर्श आप तक पहुंचाना चाहती हूं कि उस वीडियो में मैस एनिमेटेड है। काफी बार हम लोग देखते ना, हगीज की एडवर्टाइज दिखती है जहां पर बच्चा क्रॉलिंग कर रहा है, उसके बाद यू 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 हाथ फिरा रहा है, वो एनिमेटेड होता है। तो उसको लंबा चौड़ा कर सकते हैं, उसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो मुझे कुछ ऐसी ही वीडियो वो लगी जो वायरल हुई है, आप लोग जाकर देखिएगा। अगर आपको वही लगा तो मुझे कमेंट पे बताइएगा। बाकी मेरा ये दृष्टिकोण है कि मुझे वो वीडियो एनिमेटेड लगी, यानी कि करप्टेड लगी, यानी कि उस बनावटी लगी। एंड उस वीडियो में यहाँ पर जो वीडियो जिसमें डायलॉग्स आते हैं, उसमें सुखविंदर ये कह रहा है कि नहीं, ऐसी कोई साजिश नहीं थी, हम लोग महज खाना खाने गए थे और खाना खाने के बाद सोनाली की हालत ऐसी हो गई, हम लोगों ने कोई ड्रग्स वग्स नहीं लिया। अरे बेवकूफ आदमी, सुधीर ने पहले ही बक दिया है, सुधीर ने सारी बातें पहले ही बोल दी है, और उसके बाद उसने ये बयान भी दे दिया है कि जबरन तुम दोनों ने उसे ड्रग्स, यानी कि पानी में एमडीएमए मिलाकर उसे पिलाई है, जो कि ओवरडोज हो जाती है या फिर उसकी तबीयत किस हद तक खराब हो जाती है हम सबको पता है। लेकिन आपको बता दूं, ये जो वीडियो वायरल हो रही है वो क्यों, अब मुझे लगता है कि कोई मतलब की नहीं है, क्योंकि ये वीडियो है सुबह 23 तारीख की, जिसमें ये गधा झूठ बोल रहा है, जिसके तुरंत बाद ही हमें पता चलता है सुधीर सांगवान ने अपने मुंह से, अपनी जबान से खुद अपने सारे करतूतों की हवा निकाल दी है, पोल खोल दी है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, यही सुधीर सांगवान के कमरे की तलाशी नहीं की गई। गोवा पुलिस के ऊपर अभी भी ये आरोप चल रहा है, गोवा पुलिस अपने तरफ से सीबीआई की जांच के ऊपर हामी नहीं भर रही है। आई डोंट नो व्हाई, ये राजनीतिक है या क्या कांड है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। दूसरी जगह पर गोवा पुलिस हिसार जाती है, उसके बाद अब जा रही है वो रोहतक पहुंचकर उसके उस घर में तहकीकात करने जा रहे हैं जहां पर बोल चुके हैं उसके पेरेंट्स, यानी सुधीर सांगवान के घर वाले, कि इसके साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है, पिछले 3-3.5 साल से कोई रिलेशन नहीं है। बीच में एक बार आया था सुधीर,
दिन को आया था, शाम को निकल गया था, अपनी बीवी को देखने आया था, सो कॉल्ड बीवी, क्योंकि वो गुड़ छर्रे तो कहीं और ही उड़ा रहा था। अब ये जबरन था या क्या था, क्योंकि मामला ये भी आ रहा है कि सोनाली फोगाट ने कभी भी उसके साथ बदसलूकी की कोई बात जाहिर नहीं की है। अब ये हो सकता है कि जिस एमएमएस की बात की जा रही है उसकी वजह से वो दबाव में आकर कोई झगड़े का प्रदर्शन नहीं कर रही है या उसे चुप रहने को कहा गया है, लेकिन वो अंत में ये बोलना जरूर चाहती थी कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और गलत क्या हो रहा है वो कहना चाह रही थी हिसार आकर, बट उसे वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। बहरहाल जो सुधीर सांगवान का घर है उसको एक घंटे तक उसके घर में पूछताछ हुई, उसके बाद तहकीकात हुई जहां से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। और उन लोगों ने यह भी कहा कि हमें नहीं पता है सुधीर का किसी के साथ झगड़ा था या रिलेशन था, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट, वी डोंट नो अबाउट इट। उन लोगों ने पूरा पत्ता झाड़ लिया है। अब पता भी होगा तो किसे क्या है, गोवा पुलिस तो ठीक से जान पहचान कर नहीं रही है। और दूसरी बात यहां पर जो आ रही है वो ये है कि अगर ये महज एक एंटरटेनमेंट के लिए ड्रग लिया गया था, जबकि सुधीर ने यह कहा कि वो लोग होटल से निकलने के पहले एक बार ड्रग फूक चुके थे, अब ये पता नहीं चला है कि सोनाली ने अपनी मर्जी से किया था या ये भी जबरन था, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं क्योंकि जो सुधीर सांगवान के अकाउंट्स जो छिन्न-भिन्न किए गए हैं उसमें महज 25,000 निकले हैं, महज 25,000। तो जहां तक साजिशों की बात चल रही है और पैसे के लेन देन की बात चल रही है, तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ लग नहीं रहा है सुधीर के अकाउंट्स को देखकर, सुधीर के बातों से साजिश की मैं कह सकती हूं गंध नहीं आ रही है। लेकिन अभी भी गुड़गांव जाने वाली है गोवा पुलिस और गुड़गांव के उस फ्लैट में जाने वाली है, अग्रीमेंट चेक करने वाली है, वहां क्या होता है उसका इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के हिसाब से 140 इंजरीज मिली है, ये मजाक नहीं है, 140 इंजरीज मिली है। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लाती है कि अगर ये महज ओवरडोज की वजह से हुआ था तो 140 इंजरीज कैसे सोनाली फोगाट के शरीर पर पाई गई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कोई लड़खड़ाता भी है, अगर कोई गिर भी जाता है तो इंटरनल और आउटसाइड एक्सटर्नल में इतनी चोटें कैसे लग सकती है और ऐसा क्या हो गया अचानक के 22 के अंत तक वो खुद अपनी माँ से और बहन से कहती है मैं हिसार आकर बताऊंगी, बहुत गड़बड़ है, और दूसरे ही दिन खबर आती है कि उसकी मौत हो गई। बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ी साजिश है। और लोग मुझे बहुत क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऐसे तो अभी कमेंट्स बहुत कम ही आ रहे हैं, अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि कमेंट्स ज्यादा नहीं आ रहे हैं, मुझे जरूरत नहीं है। बट जो कमेंट्स है उसमें से कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिनमें ये पूछा गया है कि तुम सुशांत को भूल गई क्या। तो मैं आपको बता दूं, सुशांत एकमात्र ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी मौत के बाद ऐसा रेवोल्यूशन पैदा किया है ना पूरे जहान में, जिसकी वजह से ये सो कॉल्ड गटरवुड बॉलीवुड का नामो निशान अब मिटने वाला है। और वो ये चाहते थे अंत तक कि किसी के साथ बुरा ना, तो जो इंसान किसी का बुरा नहीं चाहता वो चाहता था कि सबके साथ जस्टिस हो, तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूं, मैं सुशांत के लिए लड़ रही हूं, सुशांत के जस्टिस के साथ हूं, जस्टिस के लिए लड़ रही हूं, और मेरे सामने कोई ऐसी वारदात आ रही है जिसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ उस इंसान के साथ जस्टिस हो सकता है या उसके नाम से गंदगी हट सकती है, क्योंकि मरने वाले के ऊपर बहुत सारे लांछन भी लगते हैं और बहुत जन सॉरी भी फील करते हैं, इट्स अ मिक्स्ड सिचुएशन। तो उस मरने वाले को उसकी सही जानकारी के बाद उसको जो आहुति दी जाती है तब हम कह सकते हैं RIP, रेस्ट इन पीस, नहीं तो उस इंसान के जीवन में वो घटना चलती रहती है और वो मरने के बाद भी शांति नहीं पाता। तो जो हमारे सुशांत सिंह राजपूत के साथ अभी हो रहा है, अगर हमें थोड़ा सा भी मौका मिलता है किसी के लिए कुछ अच्छा करके उस इंसान को जस्टिस पहुंचाना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। और जिन जिन को ये प्रॉब्लम है ना, भाड़ में जाए, सीरियसली।
बहुत स्माइली फेस के साथ मैं कह रही हूँ भाड़ में जाओ, आई डोंट गिव अ डैम। काफी लोगों को मैं ये नहीं बताना चाहती थी बट अब बता रही हूँ, जो ये सारी बकवास करते हैं ना उनको सुशांत के स्पेलिंग का भी नहीं पता है। सुशांत 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 मतलब अजीबो गरीब। दिशा सालियान को भी दिशा सिलाइन, मतलब आप लोगों को नाम लिखने की औकात नहीं है आपकी, आपको नाम लिखना ठीक से नहीं आता है। और आप लोग हम जैसे लोगों को कमेंट करते हैं जो उसके जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं। अबे हो कौन यार तुम, फर्क नहीं पड़ता मुझे तुम्हारे होने और ना होने से। मैं अपने सब्सक्राइबर्स चाहती हूँ बट ऐसे जो इन सारी वीडियोस को शेयर करके आंखें खोले अच्छी तरह, ऐसे बेकार लोगों को अपने चैनल को देखने देना भी नहीं चाहती हूँ जो इतनी फालतू बातें करता है, जिन्हें रियलाइज नहीं होता है कि वो क्या बक रहे हैं। सो एनीवेज ये बोलना था सो बोल दिया। आप तक मेरी वीडियो जा रही है तो आप शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और बताना आप क्या सोचते हो। एंड साथ रहना, क्योंकि साथ इम्पॉर्टेंट है, सहारे के लिए नहीं, साथ इम्पॉर्टेंट है। एंड मेरा यही मोटिव है कि मैं किसी भी इंसान के साथ बुरा ना होने दूं, और अगर देखती हूँ, अगर कुछ बोलती हूँ, अगर उस बोलने से किसी का अच्छा होता है तो मैं बोलती रहूंगी, बाकी आपकी मर्जी। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस, वी विल फाइट टिल आर लास्ट ब्रेथ। आई विल डेफिनेटली फाइट फॉर सुशांत, सुशांत जस्टिस। आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। जय हिंद, स्टे गुड, हेल्दी, लव यू ऑल, बाय।